हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोम अराउंड ऑलवेज। और आपके सामने एक न्यूज़ है जो कि 11 अगस्त को पब्लिश हुई थी, मीन्स लास्ट वीक में। और इसमें आप देख सकते हैं दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे के लिए जो अधिकृत ज़मीन होगी उस पर सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसका हमें पहले से पता था क्योंकि ऑफिसर जो वहाँ पर सर्वे करने गए थे उन्होंने भी यही अपडेट दिया था कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसमें किसानों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने एरिया के सांसद से मिलकर NHAI के अधिकारियों से, जो सक्षम अधिकारी, उनसे मीटिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें यह भी कंपनसेशन जो मिल रहा है वो कम लग रहा है, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी इश्यूज हैं और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो लो, जो किसानों की मेन समस्याएं हैं उसमें कुछ ये जो बताया गया है, एक तो कि अगर जहाँ से हाईवे निकलेगा और हाईवे की दोनों तरफ ज़मीन किसी की है, ये बीच में निकलेगा तो उसको ज़्यादा कंपनसेशन दिया जाए, एक मांग ये है। दूसरी मांग है कि सर्विस रोड का प्रोविज़न होना चाहिए। तीसरा, सिंचाई की लेकर एक तरफ ट्यूबवेल है और किसानों का खेत दूसरी तरफ भी, तो उस केस में सिंचाई की क्या व्यवस्था की जाएगी, कैसे की जाएगी। तो कुछ कुछ इस तरीके की मांग भी उठ रही है और कहीं ना कहीं कंपनसेशन बढ़ाने के लिए मांग की गई है। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पर बागपत ज़िले के लिए 4 गुना मुआवजे की न्यूज़ आई है। यहाँ पे देख सकते हैं सांसद सत्यपाल जी ने NHAI और जिला प्रशासन से कहा है कि किसानों का उत्पीड़न ना हो बल्कि समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। तो ये सर्कल रेट पे दिया जाने की बात थी, ये भी सबको पता है, और 27 गांवों से होके ये निकलेगा जिसमें भूमि का सर्कल रेट ये 4 गुना मुआवजा मिलना है। अब इसमें मांग क्या है और क्या उसका सुनवाई होगी वो धीरे धीरे पता चलेगी। आप देख सकते हो किसानों ने सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा, सर्विस रोड, नलकूप के कनेक्शन शिफ्ट करने आदि की मांग की। किसानों ने सांसद से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की जाए। एक तो कुछ ये भी था, और यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी वो रखा है कि जो किसान या जिन किसानों की ज़मीन इसमें जा रही है उनको सरकारी नौकरी की भी बात की गई। अब ये देखते कितना जस्टिफाई रहता है ये मांगे, क्योंकि रोज रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ मीटिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट किस लेवल पे आके सेटलमेंट हो पाता है। क्योंकि देखो मांग ना एक ज़्यादा जायज़ हो तो गवर्नमेंट भी उसे मांग सकती है। मैं ये नहीं कहता आपकी मांग जायज़ है नाजायज़ है, बट अगर आपकी कोई जो भी मांग है और आप इस तरीके से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि भाई आपको जो भी कंपनसेशन आप डिमांड कर रहे हो वो मिले, साथ में जो ज़्यादा कंपनसेशन की बात है कि सड़क के जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसके दोनों तरफ ज़मीन है तो ज़्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए, अगर थोड़ी ज़मीन बचती है तो उसको भी सरकार अधिग्रहण करे। उस केस में तो ज़मीन जो है जो आपके जिस किसान के किस खेतों के साथ मिलती है वो ज़मीन उसको ले सकते हैं, अगर थोड़ी ज़मीन बचती है तो, क्योंकि एक्स्ट्रा ज़मीन का गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। तो कुछ समस्या, और जो सरकारी नौकरी वाली बात है कि सरकारी नौकरी दी जाए, अब उसको किस लेवल तक पूरा किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और कहने के सरकारी नौकरियां ख़त्म हो की जा रही है। और पहले सरकारी नौकरी का बेनिफिट ये होता था कि पेंशन मिलती थी, और आजकल पेंशन का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि जो 3A 3D के तहत चक में रास्ता, चक मार्ग, अंडर पास, सिंचाई हेतु नाली, पाइपलाइन की शिकायतों की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इश्यू आ रहा है किसानों के, अभी काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। अब उसका किस तरीके से सुनवाई होती है, किस तरीके से उसका निस्तारण होता है वो हमें आगे पता चला है। लेकिन अभी जो सर्कल रेट की बात है, सर्कल रेट 4 गुना ही है, अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो फ्यूचर में पता चलेगा। अभी देख सकते बैठक में DM राजकमल यादव, SDM भी थे अमित कुमार सिंह, गन्ना समिति के चेयरमैन कृष्ण पाल सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र धामा, प्रवीण धामा, सत्येंद्र, मनोज आर्य, प्रहलाद आदि मौजूद रहे। ऐसी कुछ जो मीटिंग हुई है वो शामली जिले के किसानों ने भी की है, वहाँ पे किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने बात की जो सांसद से और
उनके जो NHAI के अधिकारी है, DM, SDM के साथ मुलाकात की और ऐसी ही कुछ शर्तें उन्होंने वहाँ भी रखी है। अब उन शर्तों पे किस लेवल पे काम हो पाएगा, किस लेवल पे नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन अगर इसका टाइम से सॉल्व नहीं हुआ, दोनों पक्ष एक निष्कर्ष पे नहीं निकले, तो हो सकता है ये जो प्रोजेक्ट है डिले हो, और डिले होने पे सभी का नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है, किसानों का भी, और जो उस हाईवे को यूज़ करे उनका भी। तो मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी समस्याएं हैं उसको रीजनेबल वे में सुलझाया जाए और जल्द से जल्द जो भी आपस में सहमति बनाकर ज़मीन सरकार दी जाए और सरकार से कंपनसेशन ले लिया जाए। तो आज की अपडेट में इतना ही, कोई और नई अपडेट आएगी आपको फ्यूचर में वीडियो लेके बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।